नहीं थी। खाको के प्रमुख लोग आए थे टू एक्सप्रेस देयर सॉलिडेरिटी विद अस। तो मेरे घर में इतनी जगह नहीं है, लिहाजा हमने पार्क में खाने का इंतजाम किया था। इन्होंने प्रेशर में कहा कि साहब इलीगल है ये और यहाँ नहीं हो सकता, तो हमने कहा कि हमें ले चलो। तो वी हैव कोर्टेड अरेस्ट और कई ग्रुप्स हैं जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट थानों में इन्होंने बंद किए हैं। लेकिन सर आज बैठक कर रहे थे, क्या मांग थी? क्या मांग नहीं थी? ये जो खाप लीडर्स हैं, दे केम हियर टू एक्सप्रेस देयर सॉलिडेरिटी विद द कॉज विच आई एम रेजिंग इश्यूज। बाकी सर आपको सीबीआई ने भी बुलाया कब? हाँ, सीबीआई तो जो मैंने शिकायत की थी कि इन इन चीज़ों में करप्शन है, तो उस पर उन्होंने कहा कि हमको कुछ क्लेरिफिकेशन सीख करने, दे आर कमिंग टू माई हाउस, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। आप पंचायतें आपको बैक कर रही हैं, उनको क्या टोटल बात कर लो सर, मैं उनको थैंक करता हूँ। और आगे लड़ाई जारी रहेगी? लड़ाई तो ये अल्टीमेट जाएगी 24 तक। आपको लगता है कि 24 के चुनाव से पहले ये गवर्नमेंट आपको अरेस्ट कर देगी? ये गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, मरवा भी सकती है, अरेस्ट भी कर सकती है, बट आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम रेडी टू फाइट। तो आपको लगता है कि आपकी जान को खतरा है? मैं सब इतनी कमजोर बात नहीं कर सकता। आगे आगे ठीक है। और अभी जो आपने उसके बाद ही आपको सीबीआई का समन आया है? ये पहले भी एक बार आ चुका, मैं इसको कनेक्ट नहीं करता हूँ, बट ये है कि इनका एटीट्यूड ये है कि किसी तरह डराओ, धमकाओ, मारो, वो हम पे असर नहीं करने वाला। हमारे साथ इतने लोग हैं देहात के कि हम जब चाहेंगे इसको यहाँ खुरदबूज कर लेंगे।